सन 1917 में टीम इंडिया के सबसे धमाकेदार और हरफन मौला खिलाड़ी वीनू हिम्मत लाल माकन का जन्म हुआ था। टेस्ट करियर में सलामी बल्लेबाज से लेकर 11वें नंबर पर बैटिंग करने वाले वो चुनिंदा बल्लेबाजों में शुमार थे। टेस्ट मैच में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड वीनू और पंकज राय के नाम है। सन 1956 में इन दोनों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 413 रन जोड़े। सन 1973 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। आज ही के दिन सन 1954 में देश के जाने माने वामपंथी नाट्य लेखक और निर्देशक सफदर हाशमी का जन्म हुआ था। उन्होंने जन नाट मंच की स्थापना की, जिसे आगे चलकर जन्म से जाना गया। हल्ला बोल नाटक का मंचन करते वक्त गाजियाबाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके देहांत के दो दिन बाद ही उनकी पत्नी की अगुवाई में जन्म के सदस्यों ने उसी जगह नाटक किया जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। 2008 में राजकुमार संतोषी ने हल्ला बोल नामक फिल्म बनाई जो उनकी जिंदगी पर आधारित थी। आज ही के दिन सन 1961 में रूसी सोवियत पायलट और कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंसान थे। उनके स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की ऑर्बिट पूरी की थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने बतौर फाउंड्री मैन के तौर पर ट्रेनिंग की और बाद में ट्रैक्टर के बारे में पढ़ाई की। MiG-15 ट्रेनिंग जेट हादसे में उनकी मौत हो गई थी। आज ही के दिन सन 1979 में अमेरिका के मशहूर बॉक्सर शुगर रे रॉबिन्सन का निधन हुआ था। बचपन में लोग उन्हें वॉकर स्मिथ जूनियर कहकर बुलाते थे। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत की और 5 बार विश्व चैंपियनशिप जीतकर इतिहास के पहले बॉक्सर बने। न्यूयॉर्क में एक मैच के दौरान एक महिला ने उन्हें चीनी से भी मीठा कहा, जिसके बाद उनका नाम शुगर रॉबिन्सन पड़ गया।